रणधीर सिंह सरकारी उद्योगिक सिखलाई संस्था इस्त्रियां हुशियारपुर विखे ICTSM का इंस्ट्रक्टर हाँ। मैं अपना अज का टॉपिक शुरू करने तो पहला सारे सिखियार्थियों को बेनती करना चाहता हाँ कि वो ITI पंजाब स्किल चैनल नू सबसक्राइब करन ते नाल ही बैल आइकन का बटन क्लिक करन तां जो वो आउण वालियां नवीं वीडियोज़ नू देख सकन। प्यारे बच्चों, अज असी डेस्कटॉप कंप्यूटर दे हार्डवेयर कंपोनेंट्स दे बारे विच जाणांगे कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स नू किवें असैम्बल करना है। प्यारे बच्चों, ये सब तो पहला कंपोनेंट्स जो होता है वो मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड का काम कंप्यूटर दे सारे पार्ट्स नू एक दूजे दे नाल जोड़ना होता है। ये CPU अंदर जिन्ने भी पार्ट्स हैं सब नू कंट्रोल करता है। ये प्रोसैसर होता है। प्रोसैसर का काम जदों असी कंप्यूटर विच कोई भी इंस्ट्रक्शन देंदे हाँ तो उसनू प्रोसैस करना होता है। प्रोसैसर का काम इंस्ट्रक्शन प्रोसैस करना, डाटा या इनफॉर्मेशन नू प्रोसैस करना होता है। बच्चो, ये प्रोसैसर नू इस दियां दो एक साइड ते पिन्ना होंदियां हन, इन्हां नू आपस विच मेल के इस तरह फिट किया जाता है। ये साडा माइक्रो प्रोसैसर फिट हो चुका है। प्रोसैसर नू कूल करन लई फैन का उपयोग किया जाता है। प्रोसैसर जदों वर्क करता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसनू ठंडा करन लई फैन का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चो, फैन नू इस ढंग तरीके दे नाल फिट किया जाता है। इस दियां पिन्ना नू आपस विच मिला लिया जाता है तो इस ढंग तरीके दे नाल इसनू फिट किया जाता है। प्यारे बच्चो, मदरबोर्ड नू कैबिनेट दे विच इस ढंग तरीके दे नाल फिट किया जाता है। इस दे बैक साइड दे सारे पोर्ट दे होल नू मिला के फिट किया जाता है। उस तो बाद स्क्रू दे नाल मदरबोर्ड नू टाइट कर दिता जाता है। जिमें बच्चो, मैं मदरबोर्ड नू फिट कर रहा हाँ। जिमें बच्चे मैं फिट कर रहा हाँ, हूँ सारे स्क्रू के होल सामने दिख रहे हैं। इन्हां दे विच आपां इसनू टाइट कर देंगे। ये बच्चे मैं स्क्रू के नाल टाइट कर रहा हाँ। मैं दूसरा स्क्रू हूँ इस टाइम टाइट कर रहा हाँ। इस तरह स्क्रू नू आपस विच मिला के टाइट कर लिया जाता है। प्यारे बच्चों, ये अगला मैं नेक्स्ट जो है स्क्रू टाइट कर रहा हूँ। बच्चो, नेक्स्ट असी रैम दे बारे विच गल करांगे। रैम दी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मैमरी हुंदा है। इसनू टेंपरेरी मैमरी या प्राइमरी मैमरी भी कहा जाता है। रैम DDR3 या DDR4 हो सकती है। जिमें कि मेरे कोल DDR3 है, इसकी कपैसिटी 2GB है। रैम दा काम हुंदा है जदों भी असी कंप्यूटर विच कोई भी इंस्ट्रक्शन दिंदे हाँ, गेम खेलना, गाना प्ले करना आदि। जदों असी फर्स्टली ओपन करन जांदे हाँ तां ओह पहलां प्राइमरी मैमरी यानी रैम विच जांदा है, फिर ओह हार्ड डिस्क ड्राइव विच ओपन हुंदा है। रैम कुछ इस तरह दी हुंदी है जिमें कि मैं दिखा रहा हाँ। रैम दे साइज दे अकॉर्डिंग मदरबोर्ड विच पोर्ट हुंदा है। उस पोर्ट विच रैम फिट करनी हुंदी है। मदरबोर्ड विच रैम दे
दो पोर्ट होंदे हन। रैम की कपैसिटी 2GB 4GB जिन्नी ज़्यादा होगी उन्ना ही साडा कंप्यूटर वधिया परफॉर्म करेगा। बच्चो रैम नू इस ढंग तरीके दे नाल फिट किया जाता है। रैम का जो कट है इसनू मदरबोर्ड दे विच जो पोर्ट बनया हुंदा है उसके कट दे नाल मिला के फिट किया जाता है, जिमें कि मैं फिट कर रहा हाँ। इसनू दोनों अंगूठियां दे नाल दबा के फिट किया जाता है। ये देखो बच्चो ये साडा रैम जो है वो फिट हो चुकी है। प्यारे बच्चो हुण तुसी देखोगे कि किवें असी साटा हार्ड डिस्क विच अते डीवीडी रोम विच डाटा केबल किवें लगाउणी है। ये साडी डीवीडी रोम है, ये साडी साटा केबल है। ये डीवीडी रोम साटा केबल नाल ओपरेट हुंदी है। अजकल जिन्ने भी डीवीडी रोम अते हार्ड डिस्क आ रहे हैं सिर्फ साटा केबल वाले ही आ रहे हैं, क्योंकि इस विच स्पीड बहुत ज़्यादा हुंदी है एज कंपेयर टू IDE केबल। इसका एक पोर्ट डाटा केबल लिए हुंदा है, इसका एक पोर्ट डाटा केबल लिए हुंदा है ते दूजा पोर्ट पावर केबल लिए हुंदा है। इसका एक पोर्ट डाटा केबल लिए अते दूजा पोर्ट पावर केबल लिए हुंदा है। इस तरह हार्ड डिस्क विच इसका एक पोर्ट डाटा केबल लिए हुंदा है ते दूसरे वाला पोर्ट जो है वो पावर केबल लिए हुंदा है। ते बच्चो आओ हुण तुहानूं दिखांदा हाँ कि किवें साटा केबल लगाई जाती है। इसका एक सिरा DVD रोम के लगाना है, प्यारे बच्चो इसका एक सिरा इस तरह DVD रोम के दूजा सिरा जो है वो मदरबोर्ड विच लगाया जाता है। इसका दूजा सिरा मदरबोर्ड विच लगाया जाता है। बच्चों इस दे नाल कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सही फिट नहीं बैठेगा तो इस दे पोर्ट जलन का खतरा रहता है। इस तरह असी दूजी जो साटा केबल है वो हार्ड डिस्क विच लगाउणी है, इस तरह फिट करनी है हार्ड डिस्क विच, ते दूजा सिरा है उसका जो वो असी मदरबोर्ड विच लगाना है। सो बच्चो इस तरह जो है कनेक्टिविटी है वो साड़ी मदरबोर्ड दे नाल डाटा केबल दी भी अते DVD रोम दी भी हो जाती है। प्यारे बच्चो ये SMPS है, इसकी फुल फॉर्म हुंदी है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो बच्चो ये 450 वाट की ATX SMPS है। ये जैक 24 पिन कनैक्टर का है, ये मदरबोर्ड का जैक है। इसनू बड़े ध्यान दे नाल फिट करना चाहिए है। ये मदरबोर्ड विच आसानी दे नाल मिल जाएगा। इस दे लॉक का खास ध्यान रखना होता है, इस तरह जिमें कि ये लॉक दिखाई दे रहा है दा खास ध्यान रखना हुंदा है। इसनू इस लॉक दे नाल एज कंपेयर टू इट इस दे नाल इस तरह कनैक्ट किया जाता है। प्यारे बच्चो ये अद्धे मदरबोर्ड नू यानी हाफ मदरबोर्ड नू सप्लाई दिंदा है, हाफ पोर्शन नू ये दूसरा कनैक्टर जो है वो सप्लाई दिंदा है। इस तरह इस दे विच जो पावर SMPS जो है वो साढ़े हार्ड डिस्क नू अते DVD रोम नू भी पावर सप्लाई दिंदी है। सो प्यारे बच्चो ये साडा अज दा टॉपिक इत्थे ही साडा कंप्लीट हुंदा है। असी ये जान पाए हाँ कि
सो बच्चो अज असी इस टॉपिक तो जान पाए हाँ कि असी एक कंप्यूटर दे विच असी किवें हार्डवेयर कंपोनेंट्स नूं असैम्बल कर सकते हाँ ज इंस्टॉल कर सकते हाँ वख वख जो कंपोनेंट्स हैं उन्हां नूं किवें फिट किया जा सकता है। धन्यवाद।